ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 एंड वीक 14 ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, हम अब बात करेंगे एसिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफ़र की। ठीक है, जो हमारे पास पैरेलल है उसे होपफुली नेक्स्ट जो वीक है उसमें देखेंगे, लेकिन अभी हम एसिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफ़र है उसकी बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो दो तरीक़ों से होता है, पैरेलल और सीरियल। इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम आगे ज़रा चलेंगे ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ आ जाए। अच्छा, जो हमारे पास डेटा सीरियल में ट्रांसफ़र होता है, सीरियल में हमारे पास एक लाइन होती है, सिंगल लाइन होती है, और आपके पास बिट बाय बिट हमारे पास सीक्वेंस में डेटा ट्रैवल करते हैं। और इसके मुकाबले में जब हम पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो पैरेलल में हमारे पास मल्टीपल लाइंस होती हैं, हमारे पास हर लाइन पे सेपरेट डेटा ट्रांसफ़र होता है बिट बाय बिट। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जब हम यहाँ पर अब देख रहे हैं तो हमारे पास कॉमन क्लॉक नहीं है, जैसे हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में हमने बात की कि सिंक्रोनस जब हम दो डिवाइस के दरमियान में सिंक्रोनस हो तो हमारे पास कॉमन क्लॉक होती है, हाईलाइटेड भी है, और एसिंक्रोनस में ऐसी कोई बात नहीं होती। अच्छा, अब अगर दो डिवाइसेस हैं जो एसिंक्रोनस हैं, यानी जिनकी सेम क्लॉक नहीं है, सेम क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर काम नहीं कर रहे, और उनने आपस में जब डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो वो कैसे डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, हमने यहाँ पर ये देखना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम, सॉरी एक ये टाइमलाइन डायग्राम है। दो डिवाइसेस ने जब डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो उनके दरमियान में कुछ पहले रूल्स डिसाइड होते हैं, और वो यहाँ पर रूल्स हमने लिखे हुए हैं। ये दोनों डिवाइसेस के दरमियान में ये रूल्स हमारे पास बड़े क्लियर होने चाहिए। व्हेन अ करेक्टर इज़ नॉट बीइंग सेंट द लाइन इज़ केप्ट इन द वन स्टेट। ये है क्या, अभी हम ज़रा एक एग्जाम्पल से ज़रा इसको देखेंगे। द इनिशिएशन ऑफ द करेक्टर ट्रांसमिशन इज़ डिटेक्टेड फ्राम द स्टार्ट बिट विच इज़ ऑलवेज जीरो। ठीक है, जब भी आप करेक्टर को सेंड करने लगेंगे तो आपने क्या करनी है, एक स्टार्ट बिट भेजनी है जो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। द करेक्टर बिट ऑलवेज़ फॉलो द स्टार्ट बिट। ठीक है, वही बात कि हमारे पास करेक्टर को भेजने से पहले एक स्टार्ट बिट ज़रूर होना चाहिए। आफ्टर द लास्ट बिट ऑफ द करेक्टर इज़ ट्रांसमिटेड अ स्टॉप बिट इज़ डिटेक्टेड व्हेन द लाइन रिटर्न्स टू द लाइन वन स्टेट फॉर एटलीस्ट वन बिट टाइम। अच्छा, आज थोड़ा सा ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं और फिर हम एग्ज़ाम्पल पे जाते हैं। अच्छा, होता हमारे पास ये है कि जब हम दो डिवाइसेस आपस में डेटा ट्रांसफ़र करती हैं तो हमारे पास दोनों डिवाइसेस जो होती हैं वो इंटेलिजेंट तो होती नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंट होने का ये मतलब है कि वो खुद अजम्पशंस नहीं लेती, वो खुद ऑटोमेटिकली समझ नहीं जाती जैसे हम ह्यूमन समझ जाते हैं, तो उनके लिए हमें रूल्स बनाने पड़ते हैं जैसे हमने यहाँ पर इन रूल्स को डिफ़ाइन किया है। अच्छा, अब होता ये है यहाँ पर कि अगर आपके पास एक करेक्टर जाना है तो हमें कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस बिटवीन द डिवाइसेस शेयर करनी पड़ती हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले रूल को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम ज़रा देखते हैं। ठीक है, जैसे ही आपके पास अगर कोई करेक्टर आप नहीं भेज रहे तो आपके पास जो सिग्नल है दैट सिग्नल शुड बी हाई। ठीक है, यानी वो स्टेट वन पे हो, यानी उसका वोल्टेज लेवल क्या हो, हाई हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास है। अच्छा, अब जब आपने करेक्टर भेजना है, ठीक है, करेक्टर आपके पास उसका साइज़ क्या होगा वो पहले से क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, अगर हमारे पास जैसे हमने लास्ट वीक जो था वीक नंबर 13 की हमने देखा था, उसमें हम ASCII करेक्टर्स की बात कर रहे थे, 8-bit करेक्टर की बात कर रहे थे, तो ये डिफ़ाइंड होता है कि हमारे पास करेक्टर का साइज़ क्या है। लेकिन आपने करेक्टर को भेजने से पहले हमारे पास कोई स्टार्ट बिट भेजनी है, तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो हमने डायरेक्टली फ्रॉम हाई लेवल एकदम हम ज़ीरो पर आ गए हैं ताकि हमारी जो डिवाइस है जिस पे डेटा ये जाना है वो रेडी हो जाए और उसे ये समझ आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं, हम डेटा सेंड करने वाले हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा रूल हमारे पास फॉलो हो गया। पहले तो अगर हम कोई करेक्टर नहीं भेज रहे तो हमारे पास वो लाइन जो है हाई पर जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ से लेकर जब हमारे पास स्टार्ट करेक्टर आ जाएगा तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक हमारे पास ये 8 bits जो हैं ये भी इंक्लूडेड हैं हमारे पास, दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड। ये हमारे पास क्या आएगी, करेक्टर की बिट्स आएंगी और हमारे पास वोल्टेज लेवल्स डिवाइस पे जाके डिटरमिन होंगे कि वो 1 है या 0 है, जो भी इनकोडिंग स्कीम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये करेक्टर बिट्स आ गई। ठीक हो गया। अब जैसे ही करेक्टर बिट्स ख़त्म होंगी तो हमारे पास स्टॉप बिट्स होंगी। ठीक है, स्टॉप बिट्स बताएंगी कि हमारे पास कैसे डिवाइस को पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पर करेक्टर आना बंद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉप बिट्स डिटरमिन करेगी और डिफ़ाइन करेगी डेस्टिनेशन को कि आपके पास करेक्टर आना बंद हो गया।
तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर हमें समझ आती है, पहली चीज़ यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं कि दो डिवाइसेस जब डेटा ट्रांसफ़र करेंगी तो अगर वो एसिंक्रोनस हैं तो उनको आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारे पास रूल्स होने चाहिए, हमने रूल्स डिफ़ाइन किए। उसके बाद हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि करेक्टर स्टार्ट कैसे होगा और एंड कैसे होगा और करेक्टर होगा क्या। और हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर समझ आइए कि हमारे पास जो डेटा ट्रांसफ़र होता है एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन में वो करेक्टर बाय करेक्टर होता है। ठीक है, पहले एक करेक्टर जाएगा, फिर स्टॉप बिट आएगी, फिर स्टार्ट बिट आएगी, फिर दूसरा करेक्टर जाएगा, फिर स्टॉप बिट आएगी, सॉरी स्टार्ट बिट आएगी, फिर स्टॉप बिट आएगी। तो इस तरह हमारे पास करेक्टर बाय करेक्टर होगा। तो इमेजिन करें अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो वो कितनी टाइम में जाएगा। और आपने एक टर्म सुना होगा बॉड रेट जो होता है, वो यही बताता है कि कितने करेक्टर्स एक यूनिट टाइम में आप सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और हमारे सीपीयू के दरमियान में जो हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र। हमारे पास तीन किस्म के मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं। एक हमारे पास है प्रोग्राम्ड आईओ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। दूसरा है आपके पास इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, और थर्ड आपके पास है आपके पास डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम प्रोग्राम्ड आईओ की बात करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अगेन, ये हमारे पास सीपीयू आ गया, ये हमारे पास इंटरफेस आ गया, और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस। फिलहाल मतलब अभी तक ये चीज़ आपके आपके माइंड में ये डायग्राम बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास कैसे हमारे पास ये काम करते हैं। तो सीपीयू कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, वो ये थ्रू इंटरफेस काम करता है, और ये आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस आ जाती है। क्लियर हो गया। अच्छा, हमारे पास डेटा बस आ गई, ये आपके पास टूवर्ड्स द सीपीयू है, एड्रेस बस टूवर्ड्स द इंटरफेस है, इन आईओ रीड कमांड, आईओ राइट कमांड, ये कमांड्स है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ टूवर्ड्स द इंटरफेस। अच्छा, यहाँ पर डेटा रजिस्टर है जिसमें आपके पास इनपुट डेटा आएगा या आउटपुट डेटा यहाँ पर रखा जाएगा। स्टेटस रजिस्टर है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आएंगे। और ये फ्लैग रजिस्टर्स है जो आपको ये बताएगा कि आपके पास डेटा आया है या नहीं आया, या हमने क्या करना है। ये हमारे पास आईओ बस है जिसके ज़रिए हमारा डेटा आ रहा है, डेटा वैलिड, डेटा एक्सेप्टेड, ये वही हैंड शेकिंग वाली सिनेरियो है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस भी किया, ये वही हमारे पास सिनेरियो है। ठीक हो गया। तो अब हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास जो प्रोग्राम आईओ मैकेनिज्म है दैट इज़ बीइंग फॉलोड बाय अ प्रोग्राम। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको, पहले हम इसको एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जनरल एग्जांपल देता हूँ, उसके डिसएडवांटेज भी हम ज़रा डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डेटा रजिस्टर क्या करता है, डेटा रजिस्टर को रीड किया जाता है। सबसे पहले हम डेटा रजिस्टर को रीड करते हैं कि वहाँ पर कोई करेक्टर डेटा तो नहीं आया, ठीक है। फिर हम फ्लैग को चेक करते हैं, अगर हमारे पास फ्लैग ज़ीरो है तो हम क्या करते हैं, दोबारा डेटा रजिस्टर को डेटा रीड करते हैं। फ्लैग आपके पास बेसिकली इंडिकेटर होते हैं, आपको याद होगा कि हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम जब इंटरप्ट हैंडलिंग की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था कि हमारे पास इनपुट फ्लैग थे, आउटपुट फ्लैग थे। जब हमारे पास इनपुट करेक्टर आता तो हमारे पास इनपुट फ्लैग वन हो जाता था। सिमिलरली जब हम डेटा आउटपुट पे भेजना चाहते थे तो हमारे पास आउटपुट फ्लैग वन हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास फ्लैग बिट होती है जो हमें ये बता रही है कि डेटा आपके पास आया या नहीं आया। तो अगर आपके पास यहाँ पर ये फ्लैग ज़ीरो है दिस मीन्स आपको दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके फ्लैग वन है दिस मीन्स, ये हम इंटरफेस की फ़्लैग बात कर रहे हैं, हम सीपीयू की फ़्लैग की बात नहीं कर रहे। अगर ये वन है तो आप उसके स्टेटस को रीड करें कि हमारे पास क्या इशू है, कोई एरर तो नहीं आया, या आपके पास डिवाइस रेडी है डेटा एक्सेप्ट करने के लिए या डेटा सेंड करने के लिए। जब ये हो जाएगा और ओके होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर दिया तो हम ये चेक करेंगे कि ऑपरेशन कंप्लीट है। अगर हमारे पास ऑपरेशन कंप्लीट है तो हम कंटिन्यू विद द प्रोग्राम, और अगर ऑपरेशन कंप्लीट नहीं है तो फिर ये हम प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हमें समझने की है वो ये है कि इस टेक्निक का नाम है प्रोग्राम्ड आईओ। प्रोग्राम्ड आईओ का मतलब ये होता है कि हमारा सीपीयू में एक प्रोग्राम कंटिन्यूसली रन होता है जो बार बार जाके हमारे हर इंटरफेस को चेक करता है कहीं वहाँ पर डेटा आया तो नहीं है, और हमने वो डेटा लेना तो नहीं है, या हमने डेटा फर्दर ट्रांसफ़र तो नहीं करना। तो ये प्रोग्राम बार बार काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज़ वाई हम इसे क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम डायो। और यहाँ पर फ्लो चार्ट में भी इस चीज़ को बड़ा सिग्निफिकेंटली शो किया गया है कि हमारे पास हमने कंटिन्यू करना है प्रोग्राम के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा हम इसको ज़रा एनालाइज़ कर लेते हैं कि ये टेक्निक बेहतर है या नहीं। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके फ्रेंड ने आपसे मिलने आना है
और आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आएगा। अच्छा, अब हो रहा ये है कि अब आपके जो डोर है वहाँ पर डोर बेल नहीं लगा हुआ, ठीक है। जब आपके पास डोर बेल नहीं लगी हुई तो आप क्या करेंगे कि बार बार आप जाके डोर पे अपने गेट पर, मेन गेट पर चेक करेंगे कि आपका फ्रेंड तो नहीं आया, और जब वो आ जाएगा आप उसे लेके, फॉर एग्जांपल आपने कंबाइंड स्टडी करनी है तो आप स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप जब बार बार अपने गेट पर जा रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम ये होगी कि आप जो मेन काम कर रहे हैं वो आप कंटिन्यूसली नहीं कर सकेंगे और आपकी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। सिमिलरली प्रोग्राम्ड आयो एक ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास जो सीपीयू होता है वो रेगुलरली क्या करता जाता है, आपका प्रोसेसर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इस एग्जीक्यूशन में आपके जो सीपीयू के बाकी काम हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमने हल देखना है, इसका हल हम थोड़ी देर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखते हैं, लेकिन ये हमारे पास इतनी कोई एफिशिएंट टेक्निक नहीं है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। ओके जी, थैंक यू, यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।